आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुओं को एकजुट करने के लिए पदयात्रा पर निकल चुके हैं। बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक 9 दिनों की पदयात्रा हो रही है। बाबा बागेश्वर यात्रा को लीड कर रहे हैं। 160 किलोमीटर की यात्रा के जरिए हिंदुओं को एकजुट करने का टारगेट है। जरा यात्रा के दौरान की तस्वीरें भी आप देखें। यात्रा में शामिल होने के लिए भीड़ भी भारी उमड़ रही है। जय श्री राम के नारों से इलाका गूंज रहा है। नेपाल से हिंदुओं का जत्था भी यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच गया है। बाबा बागेश्वर ने यात्रा शुरू करने से पहले इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि ये यात्रा हिंदुओं को जगाने के लिए है। हिंदुओं को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा के लिए भक्तों में बहुत उत्साह और बाबा बागेश्वर के साथ 160 किलोमीटर पैदल चलने के लिए लोग कितने तैयार हैं, वो तस्वीरें आप देखें। बाबा बागेश्वर की 9 दिन चलने वाली हिंदू जोड़ो यात्रा में सिर्फ भारत से ही नहीं, पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग अपने साथ समर्थन लेकर आए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पूरी जो भीड़ है ये नेपाल से बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में जो सनातन एकता पदयात्रा है उसमें शामिल होने आई है। तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं आप, ये कम से कम 100 से ज्यादा लोग हैं और यहाँ पर बीते 24 घंटे से मौजूद है। की आप कहाँ से आए? हम जनकपुर धाम नेपाल से हैं। नेपाल से यहाँ तक किस भावना के साथ आए? हमारे जो गुरुजी ने, जो पूज्य गुरुदेव महाराज ने जो संकल्प लिया है सनातन हिंदू एकता के लिए, तो हम पड़ोसी मुल्क नेपाल का है, वहाँ पर हम लोग 90% हिंदू हैं। वहाँ पर हम अभी भी सुरक्षित नहीं है। पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र था, अभी संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र हो गया है, वहाँ भी हम सुरक्षित नहीं है। जब हमारे मुल्क पर मुल्क यहाँ सुरक्षित रहेगा तो हम लोग भी नेपाल में सुरक्षित रहेंगे। इसलिए सनातन एकता और हिंदू राष्ट्र भारत के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इतना लंबा पहले चलेंगे वो तो नॉर्मल ही है। अरे हिंदू सनातन के लिए, गुरुदेव भगवान के लिए, तो हम लोग इतना ही नहीं, जब तक संकल्प पूरी नहीं हो तब तक चलने के लिए तैयार है। जय जय श्री राम। जब तक प्राण है ये जान है, बागेश्वर धाम जी ने, सरकार ने संकल्प लिया है कि अखंड भारत बना के रहेंगे। और लोगों ने उन्हें बोला भी, हमें मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं, मगर हमारा ये कहना है कि हमारे अगले में तुम्हारा क्या काम है, यही कहना है हमारा। और इसी के साथ जय जय श्री राम, एक कही नारा, एक कही नाम। ये इस भारत के लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? भारत में शीघ्र हिंदू राष्ट्र बने, जो कि एक लीडर बन के पूरे वर्ल्ड में हिंदू राष्ट्र की, उसकी हर जगह हिंदू राष्ट्र की एक नारा जाना चाहिए। उस हिसाब से हम लोग चाहते हैं। हाँ चलूंगी, मैं पैदल चलूंगी। हाँ 160 किलोमीटर है। हाँ चलूंगी। हम लोग आए हैं जनकपुर से, आए हैं जनकपुर धाम से। नहीं इतनी हिम्मत हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी धर्म स्थापना के लिए 14 साल का वनवास तक किए थे। अरे हम ही उन्हीं के संतान हैं। ये 12 वर्ष नहीं, 12 जन्म लग जाए तो भी हम लोग चलने के लिए तैयार है। हम लोग धर्म से पीछे हटने वाले नहीं है। जय श्री राम। देख सकते हैं सिर्फ भारत से ही नहीं, तमाम हिस्सों से देश के और उसके अलावा पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी लोग बाबा की यात्रा में शामिल होकर उन्हें समर्थन देने आए। क्या